कोच अपना रितेश है आपके राइट में ऑन योर राइट सामने मनोज बैठ मनोज बैठ सर इधर लास्ट कॉर्नर थोड़ा पीछे आ जाओ सर पार्टी सेंटर में अंदर में सेंटर में आइए आप भाजी यहाँ पे बस बस अरे राके बोल रहा पीछे आओ ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर शादी में हां यहां पे आप यहां पे सर शुरू करें अंदर चल के बाहर हेलो इधर में है ना सर इधर में भाई आ रहा है आ जाओ अंदर चले First of all, जोरदार तालियों से let's welcome the one and only, the very versatile, the superstar Kapil Sharma and the director of the movie जिन्होंने story भी लिखी है राजीव डिंगरा साहब के लिए भी जोरदार तालियां अब ये पता लगाना थोड़ा difficult हो रहा है ये first row किसके लिए ज्यादा सीटी और तालियां बजा रही थी भाजी स्वागत है आपका क्या कहना चाहेंगे इस amazing response के लिए सबसे पहले superb वाह तालियां जज साहब बन गए कपिल भाई डिंगरा साहब आप सबका बहुत बहुत स्वागत आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इसको और मैंने तो बहुत एंजॉय किया इन्होंने और ज्यादा किया मैंने थोड़ा कम किया क्योंकि मेरे पैसे लगे हुए हैं इन्होंने बड़ा एंजॉय किया सो राजीव देखिए आप लोग सब लोग आप ही बताओ हमने तो जो करना था कर दिया वी ऑल लव्ड इट आपने रिस्पांस सुना अभी यहां इतना हल्ला गुल्ला इट्स अ फुल हाउस यहां पे ऐसा था कि बार बार बोलना पड़ा क्या कर रहा है स्क्रिप्ट पे आ जाए कपिल इज वेरी डिसिप्लिन एक्टर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मोनिका इशिता मरियम जकारिया और जमील भाई और हमारे कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं मुझे छोड़ के बाकी सबकी कास्टिंग की इन्होंने और सारी टीम को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आज आए भी नहीं है क्योंकि नामुल हक है यहाँ पे इस फिल्म में हमारे साथ फिर राजेश शर्मा जी हैं तकरीबन हर फिल्म में होते हैं वो कई बार तो एक एक फिल्म में दो दो बार आ जाते हैं और मेरा फ्रेंड जूस डॉक्टर जूस मेरी पहली फिल्म में इन्होंने काफ़ी अच्छा अच्छा म्यूजिक दिया है गुरजोत झा जी ने तो इस फिल्म में कमाल कर दिया आपने देखा ये पंजाबी फिल्मों के बादशाह हैं सुपरस्टार हैं और हमारी फिल्म का जो प्लॉट है ये बिफोर पार्टीशन का जो पंजाब है उसमें है तो इनसे बेहतर और कोई हो नहीं सकता था सो सारी टीम ऑलमोस्ट यहाँ है एडवर्ड हाउ कैन आई फॉरगेट एडवर्ड कम हियर कम 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 ये ऐसा अंग्रेज है चार दिन इस अंग्रेज ने मुझे एक्चुअली कंफ्यूज कर रखा मैं इंग्लिश में बातें करने की कोशिश करता रहा हूँ सो वेयर आर यू फ्रॉम फिर कहता तुम हिंदी में बात क्यों नहीं करते सो हाउ एडवर्ड यू आर सुपर्ब मैन वेल विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन जैसा हमने कहा मान साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन बड़ा स्वागत है आपका कपिल को दुनिया जानती है और अपनी अदायगी से अपनी बातचीत से और फिल्म की जो अदायगी से जो ढींगर अपने फिल्म को बनाया है संवारा है और उसमें जो आपने काम किया है बहुत अच्छा लगा इससे रब दियाँ रखा इन्हें जग दियाँ दुआवा सब दिया दुआवा थोड़े नाल ने थैंक यू सो मच
some noise. Also, Edward is here, and our distributor saab, industry mein bahut naam hai. Anil Thadani saab ke liye zordar taaliyan ho jaye. He's here, please. An EP of the movie K9 se Saif Beg saab, he's also here. Unke liye bhi zordar taaliyan ho jaye. Beg saab ko main bulana chahunga stage pe. Ishita and Monica, this one's for you. बहुत दुनिया का हट के सवाल. Generally, people don't ask this. How was it working with Kapil Sharma? You want me to start? Yes. I think it was amazing. I think not a lot of people know that he has a background in theater from Amritsar, as does Rajiv Ji. So I think in this film, you'll get to see his acting qualities much, much more. And working with Rajiv Ji was amazing. तारीफ कर रही क्या कर रही? तारीफ कर रही हूँ. क्या बहुत अच्छे एक्टर हो. And working with him was amazing. I got to learn a lot, and working with Rajiv Ji, because when you, I think for an actor, when you have such an amazing director with you, half the work is done. Right. We want thoda controversy type ka kuch kuch lage. Kuch ulta. Na uske liye main jo hu. Main mic aane nahi de raha hu wahan pe. Ji. Bahut maza aaya. Kapil ke sath kaam karke, Rajiv sir ke sath kaam karke. In fact, the entire team. This is my second film, and for me, this is very, very, very important. And thank you so much for giving me this chance, both to Rajiv sir and the entire team. And controversial, kuch bhi nahi tha, kuch bolungi bhi nahi, because film release hona baki hai, abhi nahi pa. Achha, Ishita, ye aapki debut film hai na? Haan, usme to main bachi thi. Main hamesha kehta hoon log, achha, actually, kya hota hai, kabhi-kabhi aap kisi cheez mein kaam karte ho, to aapka naam waise jod dete hai, kehte ki Ajay Devgan ki beti aa rahi hai Kapil Sharma ke saath. To maine bhi 3-4 baar news check ki, ki sachi mein aisa ho raha hai. तो बड़ी बार ऐसा भी होता है, लेकिन ये एक्चुअली उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट थी और इसमें पहली बार जो है वो लीड में आ रही हैं. सो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू वर्किंग विद सच अ वंडरफुल गाय. यस, एंड द प्रोड्यूसर साहब इज अमेजिंग. सो मुझे एक सवाल पूछना है जी. आपने कभी सोचा था मेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा? ये हमने एसी वालों को पैसे नहीं दिए कि मैंने थोड़ा महंगा वाला कुछ पहना है. भाजी प्रोड्यूसर आप हो सैफ, सवाल मेरा ये है कि जी कहां है आपके लेफ्ट जी सर, सवाल है कहां मसरूफ है आप, क्या व्यस्तता है, किस तरीके से? मैं एंजॉय कर रहा था, ट्रेलर पर आ रहे थे ये लोग, मैं साइन कर रहा था, अकाउंट मेरा ख़त्म हो रहा था, मज़े ले रहा था थोड़ा, और थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी बीच में, लेकिन अभी हम फाइन. सो मूवी की रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और बस यही थे आपके बीच में. एंड फिल्म की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा इसके आगाज़ के बारे में बताएं, आपने ये प्रोजेक्ट को लिया के नाइन के अंदर? ये एक्चुअली पहली फिल्म जब मैंने अब्बास भाई मस्तान भाई के साथ करी ना, तो उसके राइटर भी यहाँ पे हैं अंकल, तो बड़ी ही मज़ेदार उसका रिस्पांस रहा, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा. तो उसके बाद अब्बास भाई मुझे कम से कम 30 स्क्रिप्टें आई होंगी, जिसमें किसी में 2 बीवियाँ हैं, किसी में 3.5 हैं, सबके सब पैसे वाली स्क्रिप्ट देने लगे मुझे. तो राजीव इज माई चाइल्ड हुड फ्रेंड, तो ये बनाना चाहता था कुछ, और उसको मैंने कहा कि पहले मतलब कुछ अच्छा सा जब आएगा तब करेंगे. तो इसने एक मूवी बड़ी ही अच्छी बनाई थी पंजाबी में, लव पंजाब करके, तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा, मैंने देखी, मुझे मजा आया. तो मैंने कहा कि तू मेरे हिसाब से बना, जैसे मैंने बास भाई से बोलता था, मैंने कहा बास भाई डांस वांस नहीं किया, इन्होंने डांस करवाया मुझे राजस्थान में ले जाके, और शूटिंग के बाद मुझे बोलते कि नीचे कब्रें थी, वहां के ऊपर मुझे रोमांस करवाया. तो इस फिल्म में जो है ये मेरे इसलिए भी दिल के करीब है क्योंकि मेरे सामने बनी है फिल्म ये. सो इसका पहले पेज से लेके लास्ट तक क्लाइमेक्स तक मेरे सामने बना है, रोज मीटिंग्स होती थी, तो एक साल तक तो मैं ही जाके इनके साथ बैठा रहता था, सुनता रहता था कि क्या कर रहे हैं. तो राजीव ने इसकी टीम ने बहुत मेहनत की है, और मेहनत जो होती है उसका फल भी मिलता है अच्छा. सो आप सबने देखा, सो मुझे भी अच्छा लगा, मतलब बीइंग एक्टर मुझे जो लगता था कि यार मैं कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ. तो जैसे पहली फिल्म में मेरा मेरे ख्याल से किरदार वैसा था कि यू नो जैसा मैं पहले भी करता हूँ ऐसी चीजें कि हंसी मजाक ये वो बीवियों के साथ मस्ती मजाक, तो उसका एक अलग ही मजा था. तो ये फिल्म का एक अलग ही मजा इसलिए भी था क्योंकि हम लोगों ने इसमें 1920s का एरा दिखाया है, और हमने सेट क्रिएट किया था उस समय का, पूरा गांव बनाया हमने. तो
ऐसे हिल मेरी माँ तो वहीं पे रहती थी, निकलती नहीं थी वहाँ से, क्योंकि उनको लगता था कि अपने गांव में आ गए हैं। दूसरा ये भी होता था, अच्छा मेरी माँ को ये नहीं पता था कि पूरी फिल्म पे कितना खर्चा हो रहा है, वो बेचारी जाके रजाइयां गिनती रहती थी कितनी आई हैं, कंबल कितने आए हैं, जो हमारी वो उमा बिजू जी हैं उनसे रोज पूछती रहती। तो मैंने बड़ा इस प्रोसेस में बड़ा इंजॉय किया। सो जब आप इंजॉय करते हैं, जब आप मजा करते हैं, मेरे ख्याल से वो चीज दुनिया भी मजा करेगी। सर मैंने पहले इतनी कर दी ना एक साल पहले, अभी सबको पता नहीं आ रही है। नहीं सर अभी इतनी जल्दी से शो तो नहीं शुरू कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि हम लोग सिटी टूर्स करेंगे जाके, इसी बहाने लोगों से मुलाकात हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि हाँ हम लोग कुछ जगह पे जाएंगे, कुछ शोज में भी जाएंगे। तो बस बाकी आप सब लोग आ गए हैं, बाकी आप भी तो अपना काम करें ना। कपिल ट्रेलर इज क्वाइट एक्सीलेंट। थैंक यू सर। सिलिंग एक्सीलेंट डेफिनेटली। अच्छा एक्सीलेंट सर, सही सही बोलना, आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं ऐसा फिल्म करूंगा? नहीं नहीं भाई, मेरा क्वेश्चन वही है एक्चुअली, आप जाने जाते हो कॉमेडी के लिए, पहली फिल्म आपने कॉमेडी की, सेकंड फिल्म में एक क्वाइट सीरियस किरदार है। नहीं सर ये सीरियस किरदार नहीं है, बेसिकली आप अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो बिफोर 47 पार्टीशन के, जब भी कोई मूवी ऐसी बनती है तो हमेशा यही बोला जाता है कि हमेशा डार्क चीज़ें चुनी जाती हैं। हालांकि नॉर्मल लाइफ तब भी चलती थी, लोगों की शादियाँ होती थी, प्यार होते थे, वो लोग बात मार पड़ जाती थी अगर कोई किससे इश्क विश्क कर बैठता था, तो शादियाँ भी होती होंगी, हम लोग मिर्जा साहिबा हीर रांझा के टाइम से सुनते आ रहे हैं। तो हम लोगों ने उसी माहौल को दिखाने की कोशिश की है कि सिर्फ दुख दर्द ही नहीं थे, सो हमने अपना फ्लेवर थोड़ा सा रखा उसमें, आपको उस स्लाइस ऑफ लाइफ देखने का मजा आएगा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गांव वाले किस तरीके से प्यार मोहब्बत से रहते थे, कैसे छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ना और उस समय का रोमांस, खुद पैसा लगा के भी लड़की को हाथ तक नहीं लगाना। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही मुझे सैफ, प्रोड्यूसर को लगती है। हेलो तुझे अभी दिखेगा भी नहीं, तेरी मूवी जो आ रही है। अच्छा ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो फिल्म की जो कहानी है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आपने की, थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? फिल्म की कहानी काफ़ी अलग दिखाई दे रही है और पीरियोडिक ड्रामा भी दिखाया आपने, किन चीज़ों का आपने बारीकी से ध्यान रखा है? ये बेसिकली प्री इंडिपेंडेंस एरा कहीं ना कहीं दिमाग में अपने दादा दादी लोगों से कहानियाँ या सुनी हुई थी, तो हमेशा यही सुना था कि इस एरा को हमने हमेशा, ये एरा हमारे लिए बहुत टची है, बहुत है ना 90 प्री इंडिपेंडेंस, तो उस एरा को मेरा वैसे मन था कि लाइट स्पेस में दिखाया जाए। उसके बाद एक कैरेक्टर था जिसका नाम बाद में मंगा अभी पढ़ा, तो ये सब कुछ था, उसको बैठ के मैंने टीम ने सामने सबने बैठ के इम्प्रोवाइजेशन शुरू की, उस कैरेक्टर की एक जर्नी बनी, कैरेक्टर्स बने, एक फिरंग का कैरेक्टर बना, एक मंगा जिसको इश्क करता है सरगी उसका कैरेक्टर बना, बहुत सारे कैरेक्टर्स डेवलप हुए, तो करते करते ये कारवां सा बन गया कहानी का। और एक्चुअली भी अगर देखा जाए तो पार्टीशन का जितना ज़्यादा असर जो हुआ है वो जितना ज़्यादा पंजाब उस नॉर्थ बेल्ट में है, मेरे ख्याल से और ज़्यादा शायद लोगों ने नहीं देखा, जैसे साउथ में लोगों को पार्टीशन का इतना उनके मनों में प्रभाव नहीं है। अगर आप देखें अगर कहीं इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो नॉर्थ साइड में बड़ा ज़्यादा क्रेज़ होता है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं दादा परदादा, मेरे ताऊ जी जो मेरे पिताजी के सबसे बड़े भाई हैं, वो आज भी मुझे कहानियाँ सुनाते थे और बड़ी फ़नी कहानियाँ सुनाते थे कि एक बार मैं कहीं जा रहा था तो एक अंग्रेज़ जो है वो गिर गया उनकी मोटरसाइकिल से, तो मैंने उसको निकाला ऐसे नदी में से या जो भी नहर में से, तो उसने मुझे बोला कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा कि हाँ मुझे कुछ नौकरी वगैरह चाहिए, तो उसने एक्चुअली अपने साले को रखवा दिया मेरे ताऊ ने कि मैं तो काम वाम करता हूँ मेरा साला कुछ नहीं करता, तो ऐसी सी स्टोरी सुना देते, तो लगता था कि यार सारे अंग्रेज बुरे नहीं हैं। तो वैसा ही कुछ हमारे इसमें भी फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा कि हर आदमी जो है, मतलब हम लोग बोल देते हैं कि ब्रिटिशर्स बुरे थे, मैं ये नहीं कहता हूँ हम लोग, मैं एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए फिर ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, पर एक्चुअली आप बीटी स्टेशन जाके देखो कितना खूबसूरत है, आप अंधेरी जाके देख लो वो अंग्रेजों ने बनाया था, ये काट ही दो यार। बेसिकली मंगा जो कैरेक्टर है उसको नहीं लगता है कि अंग्रेज बुरे हैं, वो क्यों लगता है कैसे लगता है वो आप फिल्म में देखिए जरूर। बाकी जतिंदर आपने 50 फिल्मों में पंजाबी फिल्मों में म्यूजिक दिया, कैसा रहा कपिल के साथ पूरा सफर? जी सफर मुझे मिले ही नहीं, अपने स्टूडियो में बैठ के बनाते रहिए, मतलब इनकी खासियत ये है कि ट्रेलर से एक दिन पहले ये म्यूजिक दे देते हैं। बहुत ही कमाल का टैलेंट है और मुझे ये शुरू से इतने पसंद है, जब हम पहली फिल्म कर रहे थे तब भी जूस से मेरी दोस्ती हुई और शाहजी को मैं पहले से ही जानता था,
तो मैंने कहा शाहजी गाना हमारी फिल्म के लिए ज़रूर दें आप। तो हम लोग उस समय गाना बना रहे थे, बाद में कुछ कारण से हम लोगों ने वो गाने उसमें कम रखे थे मेरे ख्याल से, तो पर मेरी तमन्ना थी कि शाहजी के साथ एक बार ज़रूर काम करूँ। तो बड़ा ही अच्छा आपसे पूछा था, बड़े दिनों बाद मेरे हाथ में माइक आया ना, तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। हाँ जी, कैसा रहा? ये मेरे साईं जी की कृपा, मेरे बाबा जी का आशीर्वाद। मैं बहुत दिल से बड़ा एक शुक्रगुजार कह लीजिए कि कपिल पाजी और टिंगरा पाजी ने मेरे पे, पूरी फिरंगी टीम में इतना ट्रस्ट किया कि कि मुझे पूरी फिल्म करने का मौका मिला। और मुझे ये स्क्रिप्ट और ये कहानी को लेके पूरा फ्रीडम मिला काम करने का, कि जैसा मैं करना चाहता हूँ, कि क्योंकि पुरानी कहानी है उसमें सिचुएशंस इतनी अच्छी हैं, सिचुएशंस को लेके कंपोजिशन नहीं बनती है, लिरिक्स नहीं लिखाए जाते हैं, तो बहुत अच्छा। अच्छा, बड़ी सारी एक्चुअली बातें बनी, मैं भी बात करना चाहता था इस मुद्दे पर, लेकिन कुछ तो हुआ, लेकिन बहुत कुछ दिखाया भी गया। कंटिन्यू खराब है। हाँ जी, हेलो, आई थिंक मोबाइल है। आप सब बेहतर जानते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी सारी चीजें आई। मैं जिन दिन ऑस्ट्रेलिया से वापस आया, मैं एक्चुअली अपसेट था, और मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं आई एम नॉट अ गॉड, हर इंसान गलतियां करता है। जब मैं परेशान होता ना, तो मैं थोड़ा, आई एम फ्रॉम पंजाब ना, तो थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है। तो मैं एक्चुअली अपसेट था बहुत सारी चीजों को लेकर, जब आप एक इतनी बड़ी टीम लेके चलते हैं तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, और मैं बहुत ही बुरा हूँ इस मामले में, अपने आप को मैं कहता हूँ। हालांकि टचवुड, हम लोग बहुत सालों से साथ में काम कर रहे हैं, और मैं एक बात से कहना चाहूंगा कि सुनील के साथ मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं था एक्चुअली। आई लव हिम, और मुझे बेस्ट लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है। मैं खुद सुनील को, जब मैं कॉमेडी सर्कस करता था, तब मैं उनको बोलता था कि सुनील करके हसबली में मुझे मिले थे, उनको लेके आते हैं, मैं उनका वहां पे शो देखा था, मुझे अच्छे लगते हैं, बेस्ट लोगों के साथ काम करते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो। तो सुनील के साथ मेरा कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, चीजें ऐसी कुछ हो गई, मुझे, मैं इतना इरिटेट हो गया था कि शो, मैं थोड़ा खुल के बता सकता हूँ, एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही पहले दिन से ही मेरा मूड बहुत खराब था। ऑस्ट्रेलिया निकलने से पहले भी बहुत सारी चीजें होती, जब आप 50 कामों में हाथ डालते हो, जैसे हम लोग फिल्म शूट कर रहे थे, तो फिल्म के दौरान हमारे एक आर्टिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई। मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दैट डे। और हमेशा मुझे पता नहीं कहाँ से, मैंने मान साहब को एक दिन पहले वैसे फ़ोन ट्राई कर रहा था कि हम चंडीगढ़ में आए हुए हैं, कहीं आप भी चंडीगढ़ में तो मिलते हैं, तो उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई, और हमारे एक आर्टिस्ट की डेथ हो गई। मेरे साथ रात को सीन कर रहे हैं, और एक एक सीन था उनके साथ कि मैं उनके रजाई उठा के लेके जाता हूँ और छत पे जाता हूँ, तो रजाई उठा के लेके जाता हूँ, वहाँ पे कट पैकअप हो गया, अगले दिन मुझे छत पे करने वाला सीन करना था, तो अगले दिन उनकी डेथ हो गई। सो मुझे, मैं इतना नर्वस हो गया, इतना मैं नेगेटिव हो गया उस समय, तो मान साहब के आने से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली। उसके बाद मैंने उनको कहा कि हमारा शूट जो है काफ़ी डिले हो रहा है, बिकॉज फॉग वॉग बहुत पड़ रही थी पंजाब में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आदमी का दिमाग क्यों खराब होता है। तो ऑस्ट्रेलिया शो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? मैंने उनको बोला, तो आपका जितना भी खर्चा हुआ है हम आपको उससे थोड़ा ज़्यादा पैसे देंगे, ताकि आपको भी बुरा ना लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब डिजिटल टिकटें बिक चुकी हैं, हम लोग शो कैंसिल नहीं कर सकते। मुझे नुकसान फायदा नहीं तब समझ में आता, हम लोग बिजनेसमैन, हम लोग चले गए। जब शो शुरू होने वाला था, एक्चुअली स्टेडियम भरा पड़ा है, कोई दो आर्टिस्ट आपस में, एक्चुअली मेरे आदत है, मेरे को, क्योंकि मेरे नाम से शो है ना कि द कपिल शर्मा शो, तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ होती है, सब मेरे पास आती है, हालांकि आनी चाहिए नहीं, लोगों को अपने लेवल पर टैकल करना चाहिए। तो एक लड़की आई मेरे पास रोती रोती कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है किसी दूसरे आर्टिस्ट पर, वो लड़का है जो मेरे बचपन का दोस्त है, उसको मैंने डांटा था, उसको मैंने गालियां दी थी, क्योंकि हम लोग बचपन से लड़ते आ रहे हैं, कभी आई नहीं न्यूज़, क्योंकि मशहूर दोनों नहीं थे। तो उसने भी मेरे को 5-6 दी, मामला खत्म हो गया, उसने उस लड़की के साथ परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि शो शुरू करने से पहले 5 मिनट पहले की ये बात है, 1.5 घंटा मुझे परफॉर्म करना था वहां पे, उसके बाद उनका 10-10 मिनट का एक्ट था। मैं इस वजह से उनको डांटा कि अगर मैं 1.5 घंटा परफॉर्म करना है, मुझे कूल रहने दो, तुम लोग मुझे क्यों ऐसे करते हो, मैं हूं थोड़ा इंपल्सिव, क्योंकि मुझे आदत है। ये सब हुआ, शो बड़े अच्छे गए। उसके बाद चंदन जो मेरा दोस्त है, वो होटल से चेकआउट कर गया, 5 दिन आया ही नहीं, हम लोग, मेरे को भी नहीं मिला,
मुझे वरी भी था कि चलो मुझे मिले मैं सॉरी बोलूँ, बिकॉज मेरी गलती ये है कि मैं, क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त है तो मैंने सेकंड साइड ऑफ स्टोरी सुनी नहीं, तो मैंने उसको गाली वाली दे दी जो भी, फिर वो मुझे मिला ही नहीं। फिर जब हम चंडीगढ़ ऑस्ट्रेलिया से वापस आने लगे तब तक नहीं मुझे मिला, एक घंटा पहले वो आदमी मुझे नजर आया, फिर मुझे और गुस्सा आया, फिर मैंने उसको 5 गालियां और दी। उसने भी मुझे दी, उसकी आती नहीं है टीवी में। सुनील भी था, वो वर्ड भी था मेरे लिए कि ऐसे क्यों। पर एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं मैं और सुनील, और 5 साल से साथ में काम कर रहे हैं। अगर मैं एक्चुअली सुनील की जगह होता, मुझे खाली इतनी मुझे शिकायत नहीं उससे, वो बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत मुझे मेरा फेवरेट है शो में, शायद सबसे ज्यादा प्यार मेरा उसी के साथ है। पर अगर मेरी जगह सुनील होता तो मैं एक बार जाकर जरूर पूछता कि तुझे कभी 5 सालों में ऐसे देखा नहीं मैंने, तो इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है, तो शायद कुछ भी नहीं होता। पर अभी भी कुछ नहीं हुआ, आई लव हिम, और कहीं भी होगा सुनेगा तो जरूर सुनील इंटरव्यू, आई लव हिम। अच्छा मैं वैसे मेरा अभी मेरे से सवाल किया ही गया, वैसे ये भी था राजीव भी कॉम्प्लीमेंट्री लिख गया मैं, मैं उसी जगह पे बैठा होता, हमारी टीम के मेंबर पीछे बैठे हुए हैं, बहुत लोग वहां पे थे, प्रेशर बहुत था मेरे दिमाग में एक्चुअली जेन्युइनली। और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ, और भी सवाल होंगे। आपने शाहरुख भाई को सेट से लौटाया है ना, बड़ी खबरें आती है, मैं बताता हूँ आपको, जो आप कुछ भी लिख देते ना कई लोग। अच्छा एक आदमी कोई लिखता है, मुझे एक ये बड़ी प्रॉब्लम है मैम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कुछ बोला शायद, एक आदमी अगर कोई ऐसी न्यूज लिखता है ना सूत्रों के अनुसार, ये सूत्र कहाँ रहते मुझे नहीं पता सूत्रों के अनुसार, और वो आगे दूसरे वाले भी वहां से उठाना शुरू कर देते हैं। मैंने सर एक्चुअली जनरली मैं जब लैंड किया ना, आया मैंने एपिसोड शूट किया वापस, फिर यहां से राजस्थान की फ्लाइट ली जयपुर, जयपुर से 6 घंटे बाय रोड, मैं सोता नहीं था सारी सारी रात, इतने प्रेशर में काम कर रहा था। मैंने सारी न्यूज जब मेरी फिल्म का वाइंड अप हो गया, मैंने 2 महीने बाद देखनी शुरू की, कम से कम 1000 न्यूज होंगी, किसको ही दिखा रहा है, ये है कपिल के 2 दुश्मन शनिदेव और जैक डैनियल की बोतल, कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, यार दुनिया में इतने डबल स्टैंडर्ड लोग हैं कि अगर मेरा कोई पीआर नहीं, मैं आपको सच्ची बताऊं मैंने जिंदगी में कभी कोई पीआर नहीं रखा, मुझे ये प्रोसेस ही नहीं पता था। ये पहली बार जब फिल्म की ना मैंने किस किस को प्यार करूं, तब इन्होंने कहा कि ऐसे पीआर टीम आएगी, तो मैंने कहा अब्बास भाई वो मतलब क्या हिसाब का होता है, कहते वो आपकी तरफ से ऐसे फिक्स करेंगे, मीडिया के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी। मैं कहा अच्छा, मैं खुद ही करता रहता हूँ, मुझे ना कभी कुछ सोशल नेटवर्किंग चलानी आती है, एक ट्विटर आता है उसके भी पंगे पड़े रहते हैं तो मैं हूँ थोड़ा इंपल्सिव, पर मैं जैसा हूँ अभी कितना ही चेंज हो सकता ना मैं तो, पर हाँ दिल का बड़ा साफ। मेरी बात बीच में थोड़ी रह गई, मैं बात कर रहा था कि हमारी टीम के मेंबर भी वहां पे कुछ थे पीछे बैठे हुए, मैं भी था उधर, वहां पे बहुत लोग, भरत भाई आप होते तो शायद झगड़ा नहीं होता, अंकल भाई सोते रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो भी हुआ भाई बहनों में, आप भी सब लोग फैमिली वाले लोग हैं, आपस में बहुत लोगों की लड़ाई होती होगी, दोस्तों की, माँ बहन, बेटा भाई सबकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो जूता मारना, ये बातें, ये इस बारे में किसी टीम ने, मुझे बड़ा दुख लगा, इतनी अच्छी टीम थी, इतनी फैमिली, किसी ने आके ये नहीं बोला कि ये गलत बात है, ये र्यूमर है, ऐसा कुछ हुआ ही एक्चुअली। ये इन चीजों को ज्यादा दुख लगता है कि आप किसी को रातों रात विलेन बना देते हो। एक खबर मैंने ये भी पढ़ी कि कपिल के आने से पहले टीम ने खाना खा लिया था, मैं क्या दूसरी फ्लाइट से कूदा था, उसी फ्लाइट में तो था मैं। तो ये सब मनगढ़ंत स्टोरियां जब बनाते हैं लोग, फिर बड़ा दुख लगता है, फिर लगता है कि यार ठीक है, पर अब क्या। मुझे तो अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मैं वैसे कभी बात होती है तो कि जूते कपिल इतने महंगे पहनता है तो नहीं, उसमें पहने थे, उसमें जुराबे पहनी थी जो फ्लाइट वाले देते हैं। सॉरी छी बातें कर, मेरे बारे में दूसरी फिल्म की दूंगा। किसी टीम मेंबर ने ऑन स्टेज टीम से, कपिल का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि किसी ऑन स्टेज टीम मेंबर ने ये आके प्रेस के सामने नहीं बोला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और मैं सच में बोलूं, मैं एक्चुअली लिटरली डिप्रेशन में चला गया था तब, तो मैं एक्चुअली सच बताता हूँ अपने बारे में, ठीक है हम लोग पीपू लेते हैं, पर मैंने फिल्म के लिए जब फिट होना था मैंने बिल्कुल ही पीना छोड़ दिया था। और इवन सोनी की सक्सेस पार्टी थी, सोनी टीवी की, हमारे शो की एक्चुअली, तो हमारे जो सीनियर्स थे, जो भी हमारे बॉस, सब ने मुझे कहा कि ले लो, मैं कर नहीं, मुझे वेट लूज करना है, 10-12 किलो वेट लूज किया, और सडनली 10-12 किलो चर्बी आप निकाल देते हो ना, उसके बाद 2 ड्रिंक मार दो, वो 4 जितना नशा करती थी, तो काम उसने खराब किया। दूसरी एक और बात, मैं एक्चुअली लिटरली डिप्रेशन में चला गया था उस इंसिडेंट के बाद। मैंने जब ये सारी न्यूज़ देखी कि क्या क्या मेरे बारे में बोला गया है, कहा गया है, किन लोगों ने कहा है मुझे नहीं पता, पर क्यों कहा है न्यूज़। आज मुझे एक ही चीज़ और का भी दुख है, नेगेटिविटी एक्चुअली बिकती भी है, जो लोग का ये सच्चाई भी है, पर मैं लिटरली मुझे एंग्जाइटी अटैक आने लगे थे, मुझे
मुझे प्यार है अपनी टीम से, मैं मिस करता हूँ चेहरों को, मुझे जब नहीं दिखते सामने तो मुझे मुझे आदत है कि मैं एक पर किसी चीज़ से जुड़ा हो जाता है, मैं अलग नहीं हो पाता हूँ, अपने आप को डिटैच नहीं कर पाता हूँ। उसके बाद फिर मेरा ऐसा हुआ जैसे लोगों ने बनाया कि शाहरुख सर को सेट से लौटाया, छोटी छोटी बातें मैं खुद ही बोलना चाहता हूँ इससे पहले कि आप पूछें। शाहरुख भाई 7 बजे सेट पे आने वाले थे, मैं दोपहर को 2 बजे पहुंचा था, आप कंफर्म भी कर सकते हैं, 7 बजे आने वाले थे और बगल वाले सेट पे शूट कर रहे थे। 8 बजे मुझे सडनली ऐसा फील हुआ कि मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टेज पे नहीं जा पाऊंगा, मैं सारे अपने बारे में खबरें पढ़ चुका था। 1 शूट कैंसिल, 2 शूट कैंसिल, 3, 4, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग खबरें फैला देते हैं, जैसे अनिल कपूर सर आए थे तो उनको लगा कि नहीं यार तू नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे दोबारा, ठीक है। सपोर्ट भी बहुत किया, शाहरुख भाई दोबारा मुझे मिलने आए, ऐसे मुझे मेरे बारे में बोल दिया गया कि उसको नाराज लौटाया, वो दोबारा मुझे मिलने आए अगले दिन, जब नेक्स्ट डे मैं उसके बाद नेक्स्ट शूट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि तू रेस्ट लेनी है रेस्ट ले, तू अपना थोड़ा माइंड सेट कर। मैंने सोचा कि मुझे रेस्ट चाहिए शायद, मैंने ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेने के बाद मैं बैंगलोर चला गया, बैंगलोर जाके मैंने अपना ट्रीटमेंट करना शुरू किया कि मैं वो करते हैं पहली बार, मैंने पहली बार किया। उसके बाद वापस आया, उसके बाद फिर मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, बहुत पीना शुरू कर दिया मैंने। क्यों कर दिया मुझे नहीं पता, मैं मुझे हैंडल नहीं करनी आती कई चीज़ें, बिकॉज हर आदमी में हर कुछ नहीं होता। तो मैंने अपने आप को इतना हर्ट किया, इतना हर्ट किया कि अभी 3 महीने मुझे और रिकवरी में जाएंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अपसेट भी था, मेरा दिल भी नहीं करता था एक्चुअली, मेरा दिल नहीं करता था कि मैं आके बात करूं या ट्विटर पे किसी को रिप्लाई कर दूं। फिर एक बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब बदल दी जाती हैं, बड़ा दुख लगता है। किसी ने मुझे पूछा कि आपने सुनील के साथ लड़ाई की थी, मैंने कहा हाँ गलती तो मेरी है, क्योंकि मैं डांट रहा हूँ अगर किसी को अपने दोस्त को ही, तो सुनील को लगा कि इसको नहीं ऐसा बोलना चाहिए। फ्लाइट में हम लोग, वो भी शायद पूछ लेता तो मैं शायद उसके साथ शेयर कर लेता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, उसने भी चिल्ला दिया मेरे ऊपर, ठीक है वो कंसर्न था मेरे लिए, पर मैं इतना अपसेट हो गया था कि मुझे लगता था कि मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा। सो अभी भी रिकवरी में मुझे 2-3 महीने लगेंगे, पर हाँ फाइनली ये मेरी फिल्म जब बन गई कंप्लीट हो गई तो ये लोग रोज़ मुझे आते थे मिलने, मेरे ऑफिस में मैंने अपने आप को लॉक किया हुआ था, कहते उठ तूने मर्डर नहीं किया, उठ बाहर चलते हैं। मुझे ऐसे लगने लगा सारी दुनिया मुझसे नफरत करने लगी है, पता नहीं क्या हो गया। तो मुझे तो हमेशा आदत है कि सबसे मिलना ऐसे ही है, पर हाँ Whatever. ये कपिल के दिल की इनोसेंस है, और दिल का हाल इतना बयान कर दिया कि शायद कोई भी बहुत मैनिपुलेटिव आदमी तो ऐसा नहीं बोल सकता। आई थिंक जैसे दिल का हाल वो बोल दिया, मैं ये पी लिया वो पी लिया, नहीं तो आदमी बोलता नहीं नो तू मेरी पीआर क्यों नहीं संभालता। आई एम हिज फ्रेंड पता नहीं सर अगर मैं अच्छा कौन आदमी है जिसको आप पूछोगे कि क्या सक्सेस आपके सर पे चढ़ गई, वो कहेगा कि हाँ कोई बोलेगा सर नहीं समझ आ रही ना कि मैं हूं कि मैंने क्यों किया, जो भी हुआ क्यों हुआ मुझे रीजन नहीं पता। एक्चुअली वही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात ना कि अगर कोई 2 आर्टिस्ट की आपस में बहस भी हुई थी जो भी कारण रहे हो, कितनी सारी चीजें होती हैं मिलकर जब बिल्डअप होता है तब आपका दिमाग फटता है। अदरवाइज ऐसा इतनी जल्दी मैं वैसा आदमी नहीं हूँ कि इतनी जल्दी गिव अप करूँ या मैं घबरा जाऊँ। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे अभी और शूट कैंसिल नहीं करने हैं, मेरे को फिल्म मेरी अच्छी बनी है। ओके मेरे अच्छे दोस्त हैं सारे, एक्चुअली सब पॉजिटिव लोग हैं। सो मैंने ज़्यादातर तो किसी के साथ मैं शेयर भी नहीं कर सकता था। तो सैफ है, राजीव तो ऑलमोस्ट मेरे साथ हमेशा ही रहा है, जूस है मेरा फ्रेंड, स्पेशली ये अमेरिका गया हुआ था इसका कोई मैं बात कर सकता हूँ जूस अबाउट योर स्नूप डॉग वीडियो मैन कहाँ है अच्छा तो ये कुछ लोग ऐसे भी हैं प्यारे लोग, इनको ऐसे लगता है कि जब अब्बास भाई पहली फिल्म में जब इन्होंने गाने किए तो जूस को ऐसे लगा कि मैंने आपसे मिलो आके पता नहीं कौन सी तोप चला दी, हालांकि इसका टैलेंट था। तो ये आदमी ने मेरी कोई बचपन की दोस्ती नहीं है, मैं शायद उसी समय मिला था, ये एलए से वापस आ गया, गुरजोत है, ये मुझे उधर लेके कहते हैं हमारा सी फेस है इधर आ जाओ इधर आपका दिल लगा रहेगा, मैं गया उधर समंदर देख के और दिल कर भी इसमें कूद जाऊं मैं सीरियसली मुझे समझ ना है कहां जाऊं। फिर मुझे कहते कि चलो मैंने बड़ी चीजें कैंसिल की। अभी रिसेंटली ना BSF के लिए एक इवेंट था दिल्ली में, मेरा बड़ा दिल था कि मैं जवानों के लिए जाऊं, मेरा शुरू से मैं जब शो की शुरुआत की थी मैं वाघा बॉर्डर गया था BSF के
मिलने लोगों से, वाघा बॉर्डर के जो मिल के आते हैं, मैंने वो इवेंट भी कैंसिल कर दिया। ये अभी एक वीक पहले की बात है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक दिन ध्यान लगाया, मैंने कहा एक्चुअली मैं परेशानी से बचने के लिए रोज़ पी लेता हूँ, उसकी वजह से सुबह और हो रही है, थोड़ा इसको रिड्यूस करते हैं। सो अब मैं थोड़ा हैप्पी फील कर रहा हूँ आप सब लोगों के सामने आकर और अपने दिल की बातें खोल के। जी सर, मेरी माँ को नहीं बताया गया था, मेरी माँ को ये बताया गया था कि स्ट्राइक चल रही है, वो उसको नहीं पता चलता है, बहुत भूली है वो, उसको ये बोला कि स्ट्राइक चल रही है, पीछे चल भी रही थी तो शूट कैंसिल है, तो धीरे धीरे करके आसपास से पता चलता है। फिर मैं ऑफिस आ गया था, तो मैं ऑफिस रहने लगा था, 10-12 दिन मैं ऑफिस में ही रहा अपने में। अच्छा ऑफिस जाऊँ और डिप्रेशन कि सारे अभी राइटर भी नहीं, क्योंकि कोई आता ही नहीं, क्योंकि शो ही नहीं है, और मेरा कुत्ता था वहाँ पे, वो मुझे देखी जाए मैं उसको देखी जाऊँ, क्या करे आदमी। फ्यूचर में आप सुनील जी से पैचअप करना चाहेंगे, आपके दोस्त हैं आपने जैसे? अरे मैं ट्रेलर लॉन्च करवाना चाहता था, मैंने सुनील पाजी को मैसेज किया, मैंने कहा आप कहाँ हो, मेरा ट्रेलर लॉन्च कर दोगे? कहते किथे, मतलब पंजाबी में लिखा, मैं कहा इथे ही। तो वो कहते मैं कनाडा में हूँ, तो वो उनका शो है शायद कनाडा में, तो वहाँ पे थे, अगर होते तो शायद जरूर आते वो। जो फिरंगी साहब बैठे हैं उनको सिर्फ आपने लात खाने के लिए रखा है फिल्म में। मैम ही इज सच ए टैलेंटेड मैन, मैं इतना इंप्रेस हूँ एडवर्ड से, ही इज अ स्टैंड अप कॉमिक ऑल्सो, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं छोटी छोटी चीजें सीखने को बहुत मिली मुझे एडवर्ड से, कि कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग कर नहीं सकते, शायद हम कैरी नहीं कर पाएंगे, मे बी जैसी हमारी अपब्रिंगिंग है, जैसा हमने आसपास लोगों को देखा है, कुछ चीजें राजीव मुझे सिखाता था कि कपिल तू नेचुरल रह, क्योंकि ये मेरे बचपन का दोस्त है तो इसको पता है मैं कितनी करतूत में कर सकता हूँ काम। तो एडवर्ड लेकिन कुछ ऐसे एक्सप्रेशन के साथ सुपर, इनको वो पता नहीं तमिल भी बोलता है, कुछ नहीं पता। एडवर्ड यू वांट टू से समथिंग? नहीं पंजाबी नहीं आता, हिंदी तो आता है और कभी कभी जाता है, पंजाबी पजामा पहन के आता है। मैं शर्याम बाहर घूम रहा हूँ, मैं कोई राम रहीम बाबा के साथ अंदर थोड़ी हो गई, मैंने एक छोटी सी चीज के लिए अपने आप को इतना हट किया। मैं मुझे लगता है एक लर्निंग होती है, आप कुछ ना कुछ सीखते हो, शायद मैं इस चीज को अभी तक इंजॉय में पी लेता था, इंजॉय कोई नहीं, पर शायद ये नहीं होता तो शायद मैं ये सब सीखता भी नहीं। आजा महेंद्र, ये मेरा बॉय है, ये भी बड़ा मेहनत करता है, मेरी बॉटल चुरा के ये भी पीपू लेता है। अगर वो कपिल हम धर्मपाजी के बड़े फैन रहे ना, उन्होंने तो छोड़ दी। कपिल सर बांग्लादेश कहाँ गई पॉपुलरिटी, कहाँ पॉपुलर, आप सब लोग आए हो इतने प्यार से, ये हमने इनवाइट किया आप आए, ये आपका प्यार ही है, आप भी सब जानते हो, पर वैसे ही लिखने की आदत है। फोन ही ऑफ रखे थे अपने, मेरा दिल नहीं करता था किसी से बात करने को, बस ऐसे ही, जैसे शाहरुख भाई सेट पे वापस आए क्योंकि वो नेक्स्ट शूट पे भी कहीं फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे, मिलने आए मुझसे। अनिल सर को मैंने फ़ोन किया, मुझे गिल्ट भी था कि मैंने क्यों कैंसिल किया शूट, नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था सर, पर ठीक है वो किसी को बोलने नहीं देते है ना, अपने आप ही आपके भी डायलॉग वो खुद ही बोल लेते, तो फिल्म में भी फिल्म में कहीं ऐसा हुआ कि वो ही बोलते रहे आपके डायलॉग भी बोल दिए? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, इनफैक्ट ही हेल्प मी अ लॉट, वी यूज्ड टू rehearse the scenes together and I think बहुत improvisation किया हमने and I learnt a lot from him, he is really funny and इतने कम time में he has made you all laugh so much, so you can imagine हमारे साथ क्या होगा on the set, he really had a blast। जरूर सर, मुझे लगता है कि सबको साथ में करना चाहिए शो, क्योंकि हम सब साथ में हैं तो बड़ी स्ट्रेंथ है, सबका एक अपना अपना एक यू नो एक अपना स्टाइल है, सुनील जो डिस्गाइज के मास्टर हैं बहुत अच्छा करते हैं, और जनरली मैं आपको आगे कभी आपको सुनील दोबारा मिले, वो तो मिलते रहते हैं, मैं ही मिलता था तो सुनील से कभी पूछना, मेरी टीम भी पीछे बैठी हुई है हमारे शो के सब बैक्स जो हमारे लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, हमारे क्रिएटिव्स हैं, मैं जब भी टीम में जाता था मैं बायस होके नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ मैं हमेशा पूछता था सुनील भाई क्या कर रहे हैं उनके लिए आज क्या है शो में, क्योंकि मैं पर्सनली उनका मेरे मुझे ऐसा लगता है जिनके साथ ज़्यादा प्यार होता है ना, शायद मुझे लगता है ऐसे इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स कहूँगा मैं, ये भी उन्हीं के साथ ही होते हैं, सो मुझे लगता है होना चाहिए अगर साथ में शो आता है लोगों को, एक्चुअली मुझे तो वेट है ही, लोगों को ज़्यादा इंतज़ार है, मुझे लोग बड़ा लिखते हैं ट्विटर पे, मैं रिप्लाई नहीं करता, पढ़ लेता हूँ मैं,
मैं बोलता मैं क्या बोलूँ उनको, मैं कहा वो कनाडा शो कर रहा है अपने, मैं इधर बैठा हूँ कमरा बंद करके, अगर वापस आ गए तो ठीक है, नहीं तो मेरे को एक शो की ऑफर है, मैं बताऊंगा नहीं किसी को। वेरी नाइस क्वेश्चन, नो कमेंट्स, इतना भी मैं ऊपर नहीं हूँ। अभी आप कल को पूछेंगे कि ये जो मैंने पैंट है जो पुरानी पहनी हुई है और मेरे को आ नहीं रही थी, तो पीछे से मैंने खोल के ये कोट इसीलिए पहन के उतार नहीं रहा हूँ, कहाँ तक मैं आपको बता सकता। मेरा बहुत प्यार है प्रीति के साथ, अभी भी है। ये जो रिश्ते होते हैं, ये नहीं होता कि ब्रेकअप है, अफेयर है, रिलेशनशिप है, मुझे समझ में नहीं आया, मैं 36 का हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि कभी कभी नहीं समझ में आता आपको कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं ये कहूँगा कि मुझ में शायद बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं, और मैं बड़ा बहुत जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं कभी कभी ऐसे ही ले लेता हूँ, कभी कभी छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैं नहीं डिसाइड कर पाता हूँ। सो मेरा अभी भी बहुत प्यार है उनसे, सो ठीक है। जी सर, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे पहले पता नहीं था कि PRP होते हैं, लेकिन इस बार खुद फिल्म बनाई है तो ऐसे हमारी PR टीम के जो हेड हैं पराग जी हैं, उनकी टीम है, वरुण है, ये सब लोग डिसाइड कर रहे हैं, इनको ज़्यादा एक्चुअली ये लोग बेहतर बताते हैं कि उस शो में आप जाएंगे उसके लिए आपकी ये सही है, उसकी रेटिंग इतनी आ रही है, उसका ठीक है। तो मैं कहा ओके ओके ठीक है। यार आपकी साउंड मुझे बड़ी मजेदार लगी, आप चेहरा दिखाएंगे। एक जी न्यूज में एक ऐसे आते भी हैं, वो दरिंदा जो था ऐसा कुछ। एक तो मैंने बता ही दिया आपको। सर मुझे लगता है कि जो हो चुकी हैं वो तो हो चुकी हैं, अब जो नहीं सीखेंगे, गलतियां भी तो आदमी नहीं सीखता है ना, तो अब नई वाली देखते हैं कौन सी आती है। मैं जेन्युइनली बताऊं, मैंने कोई प्रेपरेशन नहीं की, वो इसलिए क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपको पहले दिन जो इसके बहुत नखरे हुए थे, इसलिए लिखी जाती पहली लाइन, इन्होंने फिल्म एक्चुअली लिखी नहीं, इन्होंने बोली है सारी टीम ने, रोज ही मेरे सामने बोल रहा था लड़का ना ये आएगा और लड़की ये हो जाएगी, वो उधर आ जाएगा, वो उधर अंग्रेज आ जाएंगे, तो मैं सारी स्टोरी सुनता रहता था। और आप यकीन नहीं करेंगे, पूरी स्क्रिप्ट मेरे मन में थी, मुझे स्क्रिप्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मुझे इतना पता था कि ओके सब आ गए हैं, तो फुल इम्प्रोवाइज। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने अच्छा ऐसी बातें कोई शेयर नहीं करता, हमने इतने अच्छे अच्छे सीन काटे क्योंकि हमने लंबी बना ली थी फिल्म, पर क्योंकि दोनों है ना ये मुझे रोकता ना मैं इसको रोकता हूँ, तो वही है, नहीं तो हम अपनी पुरानी फिल्म में भी कितना इम्प्रोवाइज करते थे। पर ये क्या है कि पास थोड़े वैसे है कि अरे ये करना है तो फिर ये काट दो, इधर ये भी खुला, ये वैसे बहुत बिटी है, तो इसको होता है कि कपिल एक लाइन इम्प्रोवाइज करा तो मैं भी करूँ, लेकिन हाँ फिल्म में आप एक डायरी में रह के कर सकते हो। पर टचवुड हम लोगों ने सबने बहुत मेहनत की, सबसे मजेदार बात ये थी कि मुझे था कि मुझे पंजाब में सर्दियाँ देखे हुए बड़ी देर हो गई, बिकॉज मैं दिवाली पे जाता था और 5-6 साल से यही चल रहा था, और दिवाली मना के वापस मैंने कहा रजीव मुझे सर्दियों में करनी है, प्रोड्यूसर था मेरी बात को मना नहीं कर सकता था, तो सर्दियों में रख तो लिया शूट, पहले 7 दिन फॉग ही ना जाए तो खर्चा पड़ रहा है, सब रुके हुए उधर, तो वो सब चीज़ें हुई। उसके बाद फिर साथ साथ में शो भी करना था, फिर करते 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 फिल्म अप्रैल में पहुंच गई। अच्छा फिल्म शुरू की है हमने सर्दियों में, अभी गर्मी में भी करना पड़ रहा है गजनेर में, तो मेरा तो चलो फिर भी यूनिफॉर्म थी, वो राजेश शर्मा जी नहीं आए, कुमुद मिश्रा जी, वो बेचारे इतने मोटे मोटे कंबल लेके गर्मी में बैठे हुए हैं, वो मैं देख के मन को बड़ा मजा आया। मुझे ये लगता है जैसे ये मेरे साथ बैठा है, मेरी एक बहुत बुरी आदत है, अगर ये मुझे बचपन से जानता है, और सुबोध पराग मुझे 1 महीने से जानता है, और ये अगर आके मुझे पराग के बारे में बोल देगा ना कि वो बंदा ठीक नहीं है, मैं कहूँगा वो बंदा ठीक ही नहीं है, मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि देखो मैं ऐसे मान लेता हूँ, बहुत सारी कमियां, मैं अभी क्या क्या गिनाऊँ, ताश नहीं खेलनी आती, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम लाइव मिल रहा हूँ, मैंने नाम सुना है सर का, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने बाहुबली रईस और कितनी सारी ढेर सारी फिल्में इन्होंने रिलीज की हैं, सो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी फिल्म जो है वो भी इनके हाथों में है, तो हमारी फिल्म बहुत सेफ है, सो अनिल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बहुत ही थैंक यू अनिल सर। अनिल सर वुड लाइक यू टू यू नो से अ फ्यू वर्ड। अरे बैठना मेरा भाई थोड़ा, 2 मिनट फिर भी नहीं बैठ रहा ना, देख लूं मैंने तेरी दोस्ती दोस्ती
स्वप्निल भागना